अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन, आज हम बहुत ही अहम मसला लेकर आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का उनवान है शहीद, यानी शहीद कौन लोग होते हैं और असली शहीद कौन है। तो शरीयत के अंदर शहीद की दो किस्में की जाती हैं, एक शहीद हुक्मी और एक शहीद हकीकी। हकीकी शहीद वो होता है जो महज इस नियत के साथ जिहाद करे ताकि अल्लाह का कलिमा बुलंद हो और वो मैदान जंग में कुफ्फार के मुकाबिल मारा जाए, यानी वो इंतकाल कर जाए, तो ऐसे शख्स को शहीद कहते हैं और इस पर शहीद के अहकाम लागू होते हैं, यानी इसको ना गुसल दिया जाएगा और ना इसको कफन दिया जाएगा, बल्कि जिन कपड़ों में ये शहीद हुआ है उन्हीं कपड़ों में इसकी नमाज जनाजा पढ़ करके इसको दफन कर दिया जाएगा। और शहीद की दूसरी किस्म है शहीद हुक्मी। शहीद हुक्मी उसे कहते हैं जिसके बारे में अहदीस में शहादत की बशारत वारिद हुई हो, यानी वो आखिरत में तो शहीदों के साथ शुमार किया जाएगा लेकिन दुनिया में उस पर दीगर मैयतों की तरह अहकाम लागू होंगे, यानी उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, उसको कफन भी दिया जाएगा और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। ऐसे शहीदों के बारे में मुतफर्रिक हदीस में इसकी कई किस्में बयान की गई हैं और ये शहादत बहुत बड़ा मर्तबा है, ये बहुत बड़ा मकाम है, क्योंकि हदीस शरीफ के अंदर आता है कि शहादत इतना बड़ा मकाम है कि शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला शहीद की बख्शिश फरमा देते हैं। और जो आदमी दुनिया से चला जाता है तो उस पर मौत का लफ्ज़ बोला जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने शहीदों के लिए मौत कहने से, यानी मौत पुकारने से, ये बात कहने से कि तुम उन्हें मुर्दा कहो, इस बात से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। शहीद की मौत पूरी कौम की हयात होती है, इसलिए आज हम इस वीडियो के अंदर शुहदा की चंद किस्में बयान करेंगे। आप इस क्लिप को पूरा सुनिए, इंशाल्लाह आपका ईमान भी ताज़ा होगा और इल्म में भी इजाफा होगा। नंबर एक, ताउन की बीमारी में इंतकाल कर जाने वाला। अगर कोई आदमी ताउन की बीमारी में मर जाए तो वो भी शहीद कहलाता है। इसी तरीके से अगर कोई डूब करके मर जाए तो वो भी शहीद कहलाता है। इसी तरीके से अगर कोई नमूनिया की बीमारी में मर जाए या पेट की बीमारी में मर जाए या कोई जल करके मर जाए या कोई किसी हादसे का शिकार हो जाए, यानी एक्सीडेंट वगैरह में मर जाए, तो वो भी शहीद कहलाता है। इसी तरीके से अगर कोई दीवार के नीचे डूब कर मर जाए, और इसी तरीके से हमारी माएँ बहनें जो पैदाइश के वक्त बच्चे को जन्म देती हैं, अगर वो इसी हालत में मर जाएँ तो वो भी शहीद कहलाती हैं। इसी तरीके से वो औरतें जो कुंवारी मर जाएं वो भी शहीद कहलाती हैं, और जो टीवी की बीमारी में मर जाएं या कोई बुखार की हालत में मर जाए, इसी तरीके से अगर कोई इंसान अपने जान या अपने माल या अपने अहल वयाल की खातिर अपनी जान गवा दे तो वो भी शहीद कहलाता है। इसी तरीके से किसी आदमी को कोई मौजी जानवर काट ले तो उसके काटने की वजह से भी अगर कोई इंसान मर जाए तो वो भी शहीद कहलाता है। इसी तरीके से कोई आदमी इल्म की तलब में है, यानी इल्म दीन के, इल्म दीन हासिल करने की तलब में है, या वो अल्लाह के रास्ते में है और उसका अल्लाह ही के रास्ते में इंतकाल हो जाए तो वो भी शहीद कहलाता है। इसी तरीके से जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान देता है, उजरत पर अज़ान नहीं देता, तो वो भी शहीद कहलाता है। सच्चा ताजिर, जो सच्चा ताजिर होगा यानी सच्चाई के साथ तिजारत करता होगा, तो वो भी शहीदों में शुमार होगा। इसी तरीके से जो इंसान दिन में 25 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा बारिक फिल मौत वफीमा बादल मौत, तो वो भी शहीदों में शुमार होगा। इसी तरीके से अगर कोई इंसान फसाद उम्मत के वक्त, यानी अगर उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा हो और कोई आदमी उस वक्त सुन्नत पर अमल कर ले तो ऐसे आदमी को 100 शहीदों का अजर मिलता है। इसी तरीके से वो हामिला औरतें हमल के बाद या बच्चे की पैदाइश के बाद जब तक उनका दूध ना छूट जाए तब तक अगर वो इंतकाल कर जाएं तो वो भी शहीदों में शुमार होती हैं। इसी तरीके से वो फौजी जो इस्लामी ममलकत की सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाए तो वो भी शहीद कहलाते हैं। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी के तमाम हिस्से के अंदर ये दुआ मांगते रहना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी
سعادت کی زندگی بنا اور ہماری موت شہادت کی موت بنا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو شہادت کی موت عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔